चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद जापान ने भी 7 सितंबर 2023 की सुबह यानी कल अपना मून मिशन लॉन्च कर दिया है। इस मिशन की लॉन्चिंग तांगे शिमा स्पेस सेंटर के योशी नोबु लॉन्च कॉम्प्लेक्स से की गई। इसको चांद तक पहुंचने में 5 से 6 महीने का समय लगेगा, लेकिन सवाल ये है कि जब हमारा चंद्रयान 3 40 दिन में पहुंचा था, तब ही लोग सवाल कर रहे थे कि आखिर इतना समय क्यों लग रहा है। अब जापान तो भारत से भी ज्यादा 5 से 6 महीने का समय ले रहा है। आइए इस वीडियो में जानते हैं आखिर अमेरिका, चीन और रूस 3 से 4 दिनों में चांद पर पहुंच जाते हैं तो जापान के यान को इतना समय क्यों लग रहा है। जापान की स्पेस कंपनी जाक्सा ने इस मिशन को मून स्नाइपर नाम दिया है और इसके लैंडर का नाम स्लिम रखा गया है। इसमें कोई रोवर नहीं भेजा जा रहा है, लेकिन 2 अलग प्रकार के पेलोड भेजे गए हैं जो किसी रोवर से कम भी नहीं है, जिसमें एक तो मेंढक की तरह से उछल उछल कर चांद की सतह पर घूमेगा और अपने प्रयोग करेगा, जबकि दूसरा रेगिस्तान में चलने वाले जानवर की तरह चांद की सतह पर घूमेगा। जापान का लैंडर स्लिम एक हल्का रोबोटिक लैंडर है जिसे तय स्थान पर ही उतारा जाएगा। उसकी जगह में कोई बदलाव नहीं होगा ताकि सटीक सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन हो सके, यानी स्लिम की लैंडिंग उसके तय स्थान के 100 मीटर के दायरे में ही होगी। जाक्सा के वैज्ञानिकों के अनुसार जहां हम चाहते हैं वहीं पर लैंड हो, बल्कि ये नहीं कि कहां हम कर सकते हैं। वो एरिया एक गड्ढे का स्लोप टाइप होगा जैसा आप अभी वीडियो में देख पा रहे हैं। ये मिशन 831 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। जापान का यान पृथ्वी के सबसे पहले 2 चक्कर लगाएगा। 2 चक्कर के बाद जापान की जाक्सा के वैज्ञानिकों द्वारा यान के एक बार इंजन फायर किया जाएगा और यान पृथ्वी की कक्षा से निकलकर लंबे ट्रांसलूनर ट्रेजेक्ट्री में चला जाएगा। यहां से करीब चांद तक पहुंचने में उसको 3 से 4 महीने का समय लगेगा। इसके बाद जैसे ही वो चांद की ऑर्बिट में पहुंचेगा, वहां पर चांद के करीब 1 महीने तक चक्कर लगाएगा। इस प्रकार इसको चांद तक पहुंचने में पूरे 5 महीने का समय बीत जाएगा। स्लिम को इतना घुमाकर इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि जापान के वैज्ञानिक चाहते हैं कि उसके ईंधन को ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके और वो उस ईंधन का चांद पर प्रयोगों में इस्तेमाल कर सके। इसी कारण से जापान के वैज्ञानिकों ने 5 से 6 महीने में चांद तक पहुंचने का लंबा मार्ग चुना है। ये मिशन चांद की सतह पर अगले साल फरवरी महीने में लैंड करेगा। जापान के इस मून मिशन को अगर आप और विस्तार से समझना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर फुल एक्सप्लेन वीडियो का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आपको जापान के वैज्ञानिकों का ये आइडिया कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर कीजिए। आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।